हेलो गैस, आप सभी फिर से स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो गैस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 23 तारीख और 3:49 हो रहा है। तो गैस, अभी आप लोग देख सकते हैं 3:50, 49 था तभी, अभी 50 हो गया। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और मैं आप लोगों को गुवाहाटी का ब्लॉग दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं जा रहा हूँ, तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो गैस, फाइनली गाड़ी मिल गया। 4 बजे से वेट कर रहा था, तो 4:40 को गाड़ी ट्रेवलर मिल गया है। सो चलिए बालीपाड़ा से मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गैस, मैंने फिर से गाड़ी चेंज कर लिया, पहले ट्रेवलर में था, सो अभी मैजिक में हूँ। रांगापाड़ा जा रहा हूँ, मेरा ट्रेन है 6:10 में और अभी मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। और आप लोग देख सकते हैं रास्ता का व्यू, चारों तरफ पूरा का पूरा फॉग पड़ा हुआ है। अभी ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया है। तो गैस, आप लोग ये साइड पे देख सकते हैं, ये है ओवरब्रिज हो रहा है रांगापाड़ा का। तो ओवरब्रिज कंप्लीट होने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा ये रास्ता में। सो चलिए आगे मैं रांगापाड़ा पहुँच कर दिखाता हूँ। तो अभी मैं रांगापाड़ा स्टेशन पहुँच गया हूँ और आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ट्रेन भी आएगा। अभी ट्रेन भी पहुँच गया और मैंने टिकट भी ले लिया है, रांगापाड़ा टू कामाख्या जंक्शन 70 रुपीज़। और ये एक फ्रेंड और भैया बैठे हैं, सो यहीं पे स्टेशन में मिले थे। गैस, ये ट्रेन का इंजन चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन का थोपड़ा अभी चेंज होगा और रामपड़ा में हमेशा चेंज होता है। चेंज होने के बाद सवारी शुरू। तो गैस, आज का हम लोगों का जर्नी स्टार्ट, रामपड़ा से ट्रेन स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोग रामपड़ा का थोड़ा व्यू देख सकते हैं। तो चलिए रास्ते में आप लोगों को मैं इसी तरह दिखाऊंगा। हे गैस, फाइनली पहुंच गए हम लोग रंगिया जंक्शन। सो अभी रंगिया जंक्शन में भी इसका ट्रेन का जो इंजन है वो चेंज होता है हमेशा। सो अभी चेंज हो रहा है, तो कुछ खा लेते हैं उसी टाइम में। सो फटाफट खाएंगे और आगे आप लोगों का मैं रास्ता का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गैस, ये देख सकते हैं जो केबल वगैरह लगा हुआ है, ये ट्रेन के चलने के लिए एक नया सिस्टम है जो कि मैंने पहले नहीं देखा था, इसी बार देखा है। ये है रंगिया जंक्शन, अभी वो आ रहा है, वो ट्रेन का सिर वो आ रहा है, अभी ज्वाइन होगा यहाँ पे। और ये रंगिया से अभी कामाख्या की तरफ चला जाएगा गुवाहाटी उधर। तो अभी आ रहा है, वो ज्वाइनिंग होने के बाद जाएगा। तो अभी ये है रंगिया जंक्शन, तो देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ भी, ये है वो इलेक्ट्रॉनिक से चलने के लिए बनाया गया है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो देख सकते रंगिया जंक्शन में इसका सीट यानी कि इंजन चेंज होता है। सो इंजन चेंज हो रहा है और होने के बाद अभी फिर से अटैच करना पड़ता है। सो अब देख सकते हैं आप लोग, भैया कितना रिस्क लेकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, दोनों बीचों बीच बैठ कर वहाँ पे बढ़िया तरीके से अटैच कर रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये अभी रंगिया जंक्शन से स्टार्ट हो गया ट्रेन। और ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो मैंने पहले दिखाया था ना, जो तार उसमें यही ट्रेन चलता है। और हमारा रंगिया जंक्शन से फिर से स्टार्ट, अब जाएंगे कामाख्या जंक्शन पे, हमारा लास्ट स्टेशन है। तो चलिए आगे दिखाता हूँ इसी तरह। अभी कामाख्या जंक्शन पहुंचने वाले हैं, तो इधर का व्यू देख सकते हैं, पार्क का नजारा। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये सरायघाट का पुल है और यहाँ पे हम लोग नीचे से जा रहे हैं ट्रेन में, ऊपर से गाड़ी चल रही है। तो यहाँ का नदी का नज़ारा और यहाँ पे नाव वगैरह भी चला रहे हैं, देख सकते हैं। सो चले आगे भी दिखाता हूँ, अभी पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो गाइस, फाइनली पहुँच गए कामाख्या जंक्शन, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ का थोड़ा मैं कामाख्या जंक्शन का व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए, ये देख सकते हैं मालगाड़ी भी चल रही है जंक्शन में। और ये बाहर का नज़रिया, थोड़ा पहाड़ वगैरह भी है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, सिटी एरिया है तो देखने में अच्छा ही लगता है। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर सा लगता है। अभी गाइस, यहाँ से जल्दी से जाएंगे और जाने के बाद दुकान के लिए कुछ दिवाली लाइट परचेस करेंगे और
करने के बाद आप लोगों को मैं वहाँ का थोड़ा व्यू दिखाऊंगा और आज का ब्लॉग मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये पहुँच गए फाइनली दिवाली लाइट जगह पे और देख सकते हैं कितने सारी लड़ियाँ है यहाँ पे और दिवाली लाइट है और दिखने में बहुत ही औसम है। देखिए कितना सारा है। अब यहाँ से दिवाली लाइट परचेस करेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे गुवाहाटी स्टेशन और स्टेशन से सीधा उदलगुड़ी स्टेशन और उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए ये गुवाहाटी स्टेशन और यहाँ पे अभी शाम होने वाला है। अभी इतना अंधकार नहीं हुआ है लेकिन अंधेरे होने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। और ये गुवाहाटी में लिफ्ट भी है तो थोड़ा सही है, सही लगता है, लिफ्ट में चढ़ने से मज़ा आता है मुझे तो। तो चलिए अभी मैं रात का व्यू दिखाऊँगा, ठीक है आप लोगों को। तो गुवाहाटी स्टेशन का रात का व्यू बहुत ही ऑसम लगता है, लाइटिंग वगैरह है और इधर भी कुछ लड़िया टाइप का लाइटिंग है, बहुत ही मस्त दिखाई देता है और आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे द एंड, और अगर ये वीडियो गाइस आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अनदर वीडियो में।